हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एप्लीकेशन की मदद से आप जिस तरह से आप रखना चाहते हैं नोटिफिकेशन पैनल को, उस तरह से आप रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो देखते रहे, आपको पता लग जाए किस तरह से आप चेंज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब तक होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही रोजाना यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद करे तो लाइक कमेंट करना ना भूले, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो का आप लोग कितना पसंद करते हैं। तो मेरा नाम है सितारे, आप देख रहे होगा टोगा चैनल। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन इस तरह से बाय डिफॉल्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है मटेरियल स्टार्ट प्रो, इसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के आपको परमिशन देना होगा, इसे ऑन कर दें। करने के बाद आप इस तरह से पॉपअप आएगा रिक्वेस्ट सर्विस, इसे एक्सेबिलिटी को क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सेटिंग में लेके चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली इसे यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल प्रो, इसे सिंपली क्लिक कर दें, यहाँ पे ऑन कर दें। ऑन करने यहाँ पे ओके का बटन, इसे को मैंने ऑनेबल करने का, सिंपली इसे बैक हो जाए। बैक होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको आइकॉन होगा, पॉपअप होगा डिस्प्ले पे, नेटवर्क के आपको बाजू में आपको एक आइकॉन बन जाएगा। सिंपल इसे बनने के यहाँ बाद यहाँ पे देखिए दूसरा आपको रिक्वेस्ट आएगा या पॉपअप आएगा नोटिफिकेशन, उसे क्लिक कर ले। क्लिक करने के यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन एक्सेस को अनेबल करना होगा, यानी आपको सारा परमिशन आपको देना होगा। सिंपली परमिशन देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीन आइकॉन होगा, तीन लकीर होगा, उसे सिंपली क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कस्टमाइज, इसे क्लिक कर ले। यहाँ पे देखिए बैटरी शो, और इसे क्लिक कर दें। या आप 12 घंटा रखना चाहते हैं या 24 घंटे के हिसाब से आप उस तरह से आप रख सकते हैं। तो यह मैंने यहाँ पे 12 घंटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसे बैक हो जाए। बैक होने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखें पैनल थीम्स, तो इसे क्लिक करने का देख सकते हैं यहाँ पे एल, यहाँ पे आप सैमसंग की तरह रखना चाहते हैं या एलजी की तरह, तो सिंपल यहाँ पे एलजी की तरह मैं नोटिफिकेशन रखता हूँ। सिंपली इसे ऑन ऑफ यहाँ पे चालू करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल होगा, इसे बैकग्राउंड नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत अच्छा यूज़फुल एप्लीकेशन है। अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसे क्लिक करके आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता लग गया है किस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आप कोई भी सवाल सुझाव करना चाहते तो मेरे कमेंट में बॉक्स में आप कर सकते हैं। अब तक होगा तो क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी की तरह से नई नई वीडियो लाते रहते हैं। चलिए किसी और वीडियो मिलें किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।